बनानी है या नहीं बनानी है, सत्ता बनानी है, डबल इंजन सरकार बनानी है तो हमारे जनता पार्टी मोदी जी के ये बहुत पीछे कर दो भाई, आपको करो बहुत पीछे करो, बहुत पीछे करो, बहुत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाकर कर्नाटक को सुरक्षित करना चाहती है। अगर ये कांग्रेस की पुनर्गुलर सरकार आएगी तो वो फिर से पीएफआई पर से पेन उठा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पीएफआई पर पेन डालकर दोनों पीएफआई के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मुझे बताओ बंधु वाले, क्या आप चाहते हैं पीएफआई वाले जेल के बाहर आए? चाहते हैं क्या? अगर नहीं चाहते हैं तो डबल इंजन कमल की भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। मुस्लिम रिजर्वेशन संविधान में सहमत नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन ऑन रिलीजन बेस एक्सेप्ट नहीं करता है, परमिट नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त किया। ये कांग्रेस वाले कहते हैं हमारी रिवर्स गियर सरकार आएगी तो हम फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन डाल देंगे। आप चाहते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, वहां पर चाहते हैं क्या? वहां पर बोलो चाहते हैं क्या? अगर आप बरकरार रखना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की कमल निशान की सरकार बनानी पड़ेगी। आप चाहते हो कि 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने? आप चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? सत्ता चाहते हो? अगर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारे अभ्यर्थी को यहां से कमल से मोदी से एक बार सीटों के साथ मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। कोस्टल कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक की सूरत से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी तय कर सकती है।
उत्तर कर्नाटका को सुरक्षित करने का काम केवल भाजपा कर सकती है। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस पार्टी कोस्टल कर्नाटक को सुरक्षित नहीं रख सकती। अगर कोस्टल कर्नाटका को सुरक्षित करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने इंपोर्टेड सुपारी अरीके के दाम गिर गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर अरीके के किसानों को सपोर्ट करने का काम, भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीपी में हमारे मछुआरा भाइयों के लिए नई बंदरगाह बनाकर मछुआराओं को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु में एनआईए की ऑफिस खोली और 23 केस बम ब्लास्ट और राष्ट्र विरोधी केस, 23 केसों को भारतीय जनता पार्टी ने एनआईए को देकर इन लोगों को पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण नेटारू के हत्यारों को चून चून कर जेल में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार ने पीएफआई पर केस को भीग कर पीएफआई वालों को बाहर निकाला था। हमने 92 पीएफआई के नेताओं को दिल्ली में दिल्ली की तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता माताओं भाइयों बहनों, कर्नाटक का विकास, कर्नाटक की समृद्धि और कर्नाटक का सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मुझे बताओ बेंगलुरु वालों, एक बात बताओ, यहां से हमारे भाई को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, पक्का जिताओगे? आप सुनो, इसकी लीड 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए, होगी क्या? पक्का? मैं आपको वादा कर, सुनो, अरे सुनो ना, आप 50,000 कह रहे हो, 50,000 की लीड से अगर जिताया तो मैं जीतने के 20 दिन के अंदर विजय सर्कस में जरूर आऊंगा। जिताओगे? लीड कितनी होगी? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुक्ति दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी।
गठबंधन में जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है।